हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन कोर्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए डे 40 में हम लोग पहुंच चुके हैं और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का ही पार्ट 9 आज रहेगा और ये सेकेंड लास्ट पार्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि हम इसके टोटल 10 पार्ट्स करेंगे, तो आज ये 9th पार्ट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार एनरोल करके देखिए, एक बार क्विज अटेम्प्ट करके देखिए। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो में देखने के लिए, जहाँ पर वीडियो में हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, वो देखने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स को। आज के दिन के 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह देखिए, दिन का पहला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 55% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का टोटल साइज है उसका 55% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। और दूसरा है नियरली 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है, उसका जो नियरली 2/3 है, यानी कि 2/3 है, वो इसी सेक्टर में फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि वो इसी सेक्टर में है। किसमें? सर्विस सेक्टर में। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। सर्विस सेक्टर्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन इकोनॉमी हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज। ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है सर्विस सेक्टर का, वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। विद द सेक्टर नाउ अकाउंटिंग फॉर अराउंड 55%। ठीक है, 55% के आसपास इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया है ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। और जो GVA है, दैट इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ। ठीक है, और 2/3 ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज इन टू इंडिया एंड अबाउट 38% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आप याद रख सकते हैं कि टोटल साइज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55% है, जो टोटल FDI इनफ्लो है उसमें 2/3 है, और जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 38% है। ठीक है, हो सकता है कि यूपीएससी इसको अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, मतलब 55 की जगह 38, और उसको चेंज करके आपको दे दे, तो ये आपको कंफ्यूज यहां से नहीं होना है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं, द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर नाउ एक्सीड्स 50% ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या है कि 50% से ज्यादा हो चुका है, और विद दिस शेयर मोर देन 80% इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है, 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो ये वैल्यू है, दैट इज योर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है, वो 50% से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, और दिल्ली और चंडीगढ़ को अगर हम देखें तो वहां पर ये जो प्रतिशत है ये 80% से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इसका जो सही जवाब है दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ये क्या देता है ये रैंकिंग? इट रैंक्स कंट्रीज ऑन हाउ वेल दे कैन बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, इसमें 115 इकोनॉमीज या 115 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, कवरिंग 40 इंडिकेटर्स। ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से इस में ये है, इसके रिगार्डिंग जो आप मुझे जवाब देंगे कि इंडियाज रैंकिंग कितनी है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कि इंडिया की रैंकिंग इसमें जो है वो कितनी है। ठीक है, किसमें बात कर रहा हूं मैं? ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिन का क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत नेट। अगर कोई हमारा इस कोर्स को पहले से फॉलो कर रहा है तो ये वर्ड देख के वो समझ जाएगा कि भारत नेट जो है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है। ठीक है, तो बताइएगा मुझे कि किसी को ध्यान है ये हमने कहां पर डिस्कस किया है, और अगर ध्यान है तो मुझे बताइएगा कि हमने किस डे में, क्योंकि हम किसी डे के क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया है, तो मुझे बताइएगा कि हमने किस डे के क्वेश्चन में ये चीज जो है डिस्कस की है, भारत नेट। ठीक है, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप लोग इस कोर्स को वाकई में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट एम्स एट प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री। दूसरा है, इट एनविसेज एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो एंड सेटेलाइट मीडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? फिर से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही बनेगा।
ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। फॉर अचीविंग द गोल ऑफ डेवलपिंग ब्रॉडबैंड हाईवेज एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन, द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द फ्लैगशिप भारत नेट प्रोग्राम इन अ फेज्ड मैनर फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है यहां पर वो है ये 2.5, और ये ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए है। द प्रोजेक्ट एनविसेज एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो एंड सेटेलाइट मीडिया। ठीक है, द ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएटेड अंडर द प्रोजेक्ट वुड बी अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यही है, आप मुझे बताइएगा कि भारत नेट जो है वो हमने किस पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, किस डे में डिस्कस किया है या किस पार्ट में डिस्कस किया है, ये मुझे आप बताइएगा। अगर आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि हम लोग कहाँ पर इसको कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप ये वीडियो देखा मत कीजिए। ठीक है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर वैसे जनरली क्या फॉलो करना चाहिए, कि आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके क्विज अटेम्प्ट करें। ठीक है, और देन आप ये वीडियो डिस्कशन देखें, और उसके बाद उस वीडियो डिस्कशन से आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर नोट्स बना सकते हैं, या फिर कुछ मेन मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आपका एक मैं कहूँगा कि फ्लो रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो देख ली और आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग जैसे 90 डेज का है और हर दिन हम लोग 5 क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो 90 डेज के हिसाब से 5 क्वेश्चन को अगर आप ले लें तो 450 क्वेश्चन हो गए। तो 450 क्वेश्चन का जो डेटा है वो आप लोग एग्जाम के टाइम तक याद है सच नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और 450 में से एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि 300 to 350 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब डायरेक्टली इन द सेंस कि उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, ये पक्की गारंटी के साथ मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोग कोर्स एनरोल कर लीजिए, क्विज देना शुरू कीजिए, वीडियो देखिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए, और जो भी इस तरीके के सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ उसका प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन का क्या है चौथा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पावर जनरेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो पावर जनरेशन है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछ दिए गए हैं कि जो मैक्सिमम पावर जनरेट है वो थर्मल पावर प्लांट द्वारा होती है मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मोर पावर इज जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स देन रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम पावर है वो थर्मल पावर प्लांट जनरेट करते हैं, लेकिन जो दूसरा है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं देन रिन्यूएबल, ये गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बारे में जल्दी से देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 63% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, देखिए यहां पर ये आपको फ्यूल वाइज दिया गया है, फ्यूल वाइज हम बात कर रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट में आपका देखिए 63% के आसपास है। ठीक है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें 22.8% है। ठीक है, रिन्यूएबल में, और अगर हम हाइड्रो की बात करते हैं तो हाइड्रो में सिर्फ 12.4% है। तो रिन्यूएबल में ज्यादा है, हाइड्रो में कम है, इसलिए वो दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है। साथ में एक वैल्यू और दी गई है, अगर आप न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में भी लगभग 1.9 से 2% के आसपास आप मान सकते हैं कि न्यूक्लियर में है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मेगावाट में भी वैल्यूज दी गई है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया है 2,29,000, तो आप याद रख सकते हैं कि लगभग 2,30,000 के आसपास थर्मल में है, लगभग 45,000 के आसपास हाइड्रो में है, 83,000-84,000 मेगावाट के आसपास आपका रिन्यूएबल में है, और लगभग 6,700 यानी कि 6,700 या 6,800 के आसपास जो है आपका वो न्यूक्लियर में है। ठीक है, और अगर इसी में हम सेक्टर वाइज बात करें, एक पॉइंट आगे लेके बात करें, हो सकता है यूपीएससी यहां पर भी कुछ टारगेट करे, तो सेक्टर वाइज में अगर हम बात करें तो देखिए प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का 46.5% है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेट 28.4%, और सेंट्रल की हम बात करें तो सबसे कम है, दैट इज 25.1%। ठीक है, तो हो सकता है कि हमने आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा है फ्यूल वाइज में हमने क्वेश्चन पूछा, और हो सकता है कि यूपीएससी जो है वो सेक्टर वाइज में आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहां पर ये कोर्स लाया गया है। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, और डेटा पॉइंट्स वगैरह जो भी यहां पर बताए जा रहे हैं उनको प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन का क्या है। विद रेफरेंस टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, प्रतिशत के बारे में अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र जो है उसमें मैक्सिमम शेयर है रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का। जो स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर रजिस्टर हो रहे हैं? महाराष्ट्र में।
और दूसरा अगर हम इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की, तो आईटी सर्विसेज जो है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो आईटी सर्विसेज में रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सीधे आपको चार्ट की मदद से समझाया गया है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 18.9% जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटका है 14.6, फिर है दिल्ली 12.8, फिर है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, और फिर ये बाकी जो है सारा का सारा 16.6% जो है ये रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स एंड यूटीज में है। ठीक है, तो शुरुआत के दो तीन जो है वो आप याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, यूपी और हरियाणा। ठीक है, या तेलंगाना, यहां पर तक आप थोड़ा बहुत इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो है स्टेट वाइज डेटा। अगर आप सेक्टर वाइज बात करें, आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, तो देखिए आपका आईटी सर्विसेज में जो है सबसे ज्यादा है, 13.9% जो है वो आईटी सर्विसेज है। इसके बाद आपका हेल्थ केयर है 8.3%, एजुकेशन में 7% है, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज की आप बात करें तो 4.07 है, फूड एंड बेवरेजेस में 4.05 है। तो ये इसके टॉप फाइव है, बाकी भी इसमें दिए गए हैं, आगे को आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन इस पर जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा अभी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। आईटी सर्विसेज में जो है वो बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, दैट इज 13.9%, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये सारा डेटा पॉइंट्स भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चंस इनमें से भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बन जाए। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। और रोज की तरह जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जरूर अपना फीडबैक दीजिए इस कोर्स के बारे में कि किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है। क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, कोर्स एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दिया हुआ है, वहां से जाके कोर्स को अटेम्प्ट कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए, क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। वीडियोज देखने के लिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर अच्छा हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप वीडियो को सेम टाइम पर नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, रात के 8 बजे आप उसको बाद में देखिए, लेकिन जरूर उसको देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन बांटिए। ज़्यादा हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी और बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com पर आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आप लोगों का कोई भी बात होगी तो बिल्कुल सुनी जाएगी, बिल्कुल उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों की हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में 5 क्वेश्चंस के साथ, सुबह 9 बजे क्विज जरूर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि आगे कंडीशंस क्या होगी, एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते, तो प्लीज अभी अपनी तरफ से कुछ भी मान के मत चलिए। एग्जाम की जो डेट है 31 मई, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर रखिए। जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी हम आप लोगों के लिए जरूर उसके बारे में भी लेके आएंगे और वो आपको पता भी लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में यहाँ पर रात को 8 बजे क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए, अभी कुछ दिनों का टाइम और है। चलिए आगे मिलते हैं अगले दिन में, कल के दिन में क्वेश्चंस के साथ, 5 क्वेश्चंस के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।